गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कम, वी विल कंटिन्यू द फोर्थ पार्ट ऑफ लेसन वन, अ लेटर टू गॉड फ्रॉम योर इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस समय से पहले पहुंच गया ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, और जानना चाहता था कि उसके लेटर भगवान तक पहुंची और उसके लेटर का क्या जवाब आया। ये सारे बातें जानने के लिए उसे बहुत ही उत्सुक था, इसलिए वह पोस्ट ऑफिस समय से पहले पहुंच गया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हू हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हू हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और या वही पोस्टमैन जिसने लेटर बॉक्स से लेंचो के लेटर निकाली थी, लेंचो के लिए देते हैं, जबकि पोस्टमास्टर बहुत ही तसल्ली के साथ देख रहा था। उसे अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच आई वॉज हिज कॉन्फिडेंट बट ही बिकेम एंग्री व्हेन द When he counted the money, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और जब लेंचो ने देखा कि एनवलप में पैसे हैं तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास था कि भगवान उसके लिए पैसे भेजे, इस बात पे उसे हैरान नहीं थी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने देखा कि 100 पैसे से कम थे, तो वह गुस्सा हो गए। उसको लगा कि जब मैं भगवान से 100 पैसे मांगे थे तो उसने कम क्यों दिए, उसे पूरे पैसे देने चाहिए। तो स्टूडेंट, इससे हमें यह पता लगता है कि लेंचो को जो भी थोड़े पैसे मिले थे उससे संतुष्ट नहीं थे, और वह पूरे के पूरे पैसे चाहता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his blow caused by the effort he had to make to express his ideas. फिर तुरंत लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे गया और एक पेपर और पेन मांगा, और फिर वह पब्लिक राइटिंग टेबल पे चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गया। और जब वह चिट्ठी लिखने लगा तो वह अपने आँखों के रिंकल कर रहे थे कि वह चिट्ठी में क्या लिखेगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked then fixed the envelope with a blow of his fist. जब वह चिट्ठी लिख करके समाप्त किया, लेटर को एनवलप में डाला और वह पोस्ट ऑफिस के विंडो पर गया, और वहाँ जा कर के उसने एक स्टैम्प खरीदा और फिर स्टैम्प को उस एनवलप के ऊपर चिपका दिया, फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल दिए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द
mailbox. The postmaster went to open it. जैसा ही लेंचो ने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला, वैसा ही पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर पोस्ट बॉक्स को खोलने पहुंच गया। पोस्टमास्टर को यह लगा कि अब की बार लेंचो ने इस लेटर में क्या लिखा है। ये सारे बात जानने के लिए उसने फिर से लेटर को बॉक्स से निकाले और देखे। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर वनली 70 पेसोस रेस्ट मी। और उस लेटर में यह लिखा था, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, 100 पैसे आपसे मांगा था, उसमें से केवल मुझे 70 पैसे ही मिल पाए। तो यहाँ लेंचो यह सोचता है कि भगवान तो शायद 100 पैसे भेजे थे, पर उसमें से आधे पैसे ऑफिस के कर्मचारियों ने चोरी कर लिए। तो ये लेंचो सोचते हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो आगे लेटर में लिखा हुआ था कि बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। और आगे उसमें लिखा था कि इस बार बाकी के पैसे मेल के द्वारा मत भेजिए, पर पैसे डायरेक्टली मेरे हाथों में आनी चाहिए क्योंकि ऑफिस के सारे कर्मचारी धोखेबाज हैं। ना जाने इस बार भी वे एनवलप से पैसे निकाल लेंगे या तो चोरी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें यह पता चलता है कि लेंचो का विश्वास भगवान पर तो है पर इंसानों पर नहीं। उसे यह पता नहीं लग रहा है, यह पता नहीं चल रहा है कि भगवान के थ्रू कौन मदद कर रहा है। ऑफिस के पोस्टमास्टर और उसके सारे कर्मचारी भगवान का रूप लेकर के लेंचो का मदद कर रहे हैं, पर इस बात का उसे भनक नहीं लग रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, द चैप्टर कम्स टू एंड हियर। नाउ इट इज योर टर्न टू रीड एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।